मैं जो है इस बार अपने बर्थडे का वीडियो बना के या ब्लॉग बना के शेयर कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो आई विश वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो नए अपडेट के लिए बेल आइकन भी प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मैं आपको एक शेयर करने वाली हूँ अपना बर्थडे। तो वैसे मेरा बर्थडे होता है 25 सितंबर को, लेकिन आज है 24 सितंबर। 24 सितंबर मतलब कि आज का बर्थडे, मतलब मेरा बर्थडे इस बार साल में 2 दिनों में बढ़ गया है, क्योंकि मेरी बर्थ डेट है वो 25 है, लेकिन घर में जो पंडित के हिसाब से है, जो निकलती है तिथि के हिसाब से, तो मेरा बर्थडे 24 को आ गया है। तो मतलब मेरी फैमिली 24 को सेलिब्रेट करती है और मेरे फ्रेंड्स वगैरह 25 को मुझे विश करते हैं। तो आज 24 सितंबर है, तो आज मैं घर पे नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बाहर हूँ। तो और मैं हूँ भी अपने बर्थडे पे इस बार अकेली हूँ, मेरे सिर्फ एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, बाकी कोई नहीं है। तो इस बार मेरा मतलब मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आज का दिन एटलीस्ट, क्योंकि आज का दिन मेरे बर्थडे पे पूजा होती है, इतना कुछ होता है। तो नेचुरली मेरी लाइफ में सबसे बड़ा एक्साइटेड डे मेरा बर्थडे है, और ऑब्वियसली आई थिंक सभी के लिए उनका बर्थडे बहुत एक्साइटेड होता है, और सभी बहुत मतलब पूरी साल में मेरे को तो इसी दिन का वेट होता है। लेकिन इस बार थोड़ा सैड हूँ मैं अपने बर्थडे पे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ और सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता, अकेला इंसान कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकता ना, तभी करके थोड़ा सा मूड ऑफ है। लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पे शेयर करूँ। लाइफ टाइम याद रहनी चाहिए कि बर्थडे में अकेले थी तो मैंने क्या क्या किया था। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सुबह सुबह, अभी 7 बज रहे हैं, 7:30 बजे के आसपास मैं जाऊँगी अपने बर्थडे पे मंदिर। आज 24 को मंदिर जाऊँगी, दैट्स इट, क्योंकि आज के दिन घर पे पूजा होती है, अब यहाँ पे पूजा करवा नहीं सकते, तो आज के दिन मंदिर जाएंगे, बाकी कल देखेंगे जो होता है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस में थोड़ा अपसेट हूँ बहुत ज़्यादा। मैं आज अपनी फैमिली को, खासकर अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और आई थिंक सभी अगर अकेले हो का जो भी है, कोरोना की वजह से कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो है ही, और इस टाइम आप घर भी जाते हो फिर भी रिस्क रहता है कि यार कहीं यहाँ पे आप ठीक हो, घर जा रहे हो तो वापस बीमार ना पड़ जाए या कुछ हो ना जाए। और मेरी फैमिली में मेरा एक छोटा भाई है, और मैं ये नहीं चाहती कि ऐसे, मेरे को पता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी लाइफ में आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी हो जाता है, सडनली बाद में पता लगता है कि ऐसा है, तो मैं उसकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। बात करने में लोग बोलते हैं कि मैं बहुत कम बोलती हूँ, हाँ मैं चैटिंग वगैरह बहुत कम करती हूँ, और किसी से कॉल पे भी बहुत कम बात करती हूँ, हाँ फेस टू फेस मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ये चीज़ मेरे को पता है। आफ्टरऑल अगर मेरा मूड सही हो, मूड ऑफ ना हो, आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, लेकिन मम्मा की कॉल आ गई है तो थोड़ा मूड सही हो गया है, तभी करके मैंने ऐसे सोचा था कि मैं बर्थडे बनाऊंगी, पर सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया था, उनकी कॉल आई थी और मैंने मिस कर दी थी। मेरे को लगा कि उनके कॉल पता नहीं कब आएगी, एक्चुअली उनका नंबर भी आउट ऑफ कवरेज एरिया रहता है, तब करके मेरा मूड ऑफ हो गया था, लेकिन उनकी कॉल आ गई, अब करके मेरा मूड भी सही हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं, मतलब आफ्टर ऑल मेरे सभी, मैंने अब तक मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं है, ज़्यादा मेरे को लाइक्स नहीं मिलते, 10-15 लाइक्स मिलते हैं, बट मैंने सोचा इस बार, सभी कहते हैं कि मैं वीडियो पे फोटोज़ की डालती हूँ, कुछ लाइव डाला करूँ, अब मेरे में इतना खास टैलेंट नहीं है, मैं 15 सेकंड की वीडियो बनाती हूँ, अब वो भी कईयों को अच्छी लगती है कईयों को नहीं लगती है, आफ्टर ऑल टिकटॉक बैन होने के बाद तो इतनी अच्छी बनती नहीं है, क्लियरिटी नहीं आती, कई जगह पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे तो बहुत सी ऐपें निकाल दी है इंडिया में भी, अच्छी बात है ना, आई थिंक इंडिया खुद कुछ कर रहा है तो दैट्स इट, वो बेटर है, मैं उसमें बहुत ही है, लेकिन उसके बाद वीडियो बनाना बहुत बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, इतना तो मेरे नाम सबको पता लगे कि मैं हिमाचल से हूँ, मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी की रहने वाली हूँ, पहाड़न हूँ रियल थिंग, एंड मेरे शौक, मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, और मेरा दुनिया का बेस्ट डे मेरा बर्थडे है, तभी करके मैंने आज तक सोचा था कि मैं आज कुछ करूँगी, आप लोगों से बातें करूँगी या लाइक कुछ शेयर करूँगी। लाइफ में सबने बोला कि ये चीज़ लाइव शेयर करो लाइव, तो अब इससे ज़्यादा लाइव आपको बताने के अलावा मेरे बारे में लाइव आई डोंट नो, हाँ अगर मेरे को सपोर्ट अच्छा मिलता है तो कुछ सोचेंगे आगे भी कि कुछ अलग बनाएं या डिफरेंट बनाएं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जा रहे हैं मंदिर, मंदिर में पूजा करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर हम घर देखते हैं
मैं आपको 2 दिनों की कंबाइन ब्लॉग बना के अपना पोस्ट करने वाली हूँ, 24 और 25 का, 25 शाम को। बट ये पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि आज किसानों की स्ट्राइक है और सारे रोड बंद हुए पड़े हैं। एक्चुअली मैं बाहर जा रही थी अपने फ्रेंड से मिलने, लेकिन रोड बंद है तो ना हम यहाँ आ सकते हैं ना वहाँ जा सकते हैं। तो मेरे को आज 25 सितंबर, मेरे को आज पूरा दिन रूम में ही निकालना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग को यहीं स्टॉप कर दूँ और शेयर कर दूँ। आई डोंट नो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।